आज का दिन एक्चुअली रात को हमने सेलिब्रेट किया था, तो मेरी फैमिली, पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो उनके साथ मैंने सेलिब्रेट किया एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो एट माई प्लेस लास्ट नाइट. सो हमने केक कटिंग किया, डांस वांस किया, बहुत मज़े किए, बहुत थक गए थे. तो ऑनेस्टली 5 बजे तो सुबह सोए हैं सब लोग, तो आधा दिन मेरा नींद में बीता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो रही थी मैं, आराम से रिलैक्स कर रही थी, फिर उठ के वाज नथिंग, आई वाज सिटिंग विद माय फैमिली, वी हैड फन एंड अभी आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद यू गाइस. आई थिंक फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ और सब कुछ ऑल टुगेदर ऑन माई बर्थडे, अपने आप में ये काफ़ी स्पेशल बन गया है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हम भी मंदिर जाते हैं, पर आज क्योंकि मंदिर नहीं जा पाए थे, तो उठ के सबसे पहले घर पे पूजा हुई है. आई थिंक वो हर घर में होती ही है. सो या वी डिड दैट उठते ही साथ, और उसके बाद मेरे लिए स्पेशल लंच बना था आज, बर्थडे लंच, तो वो हुआ. और इस सब के बाद आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर विद माय फ्रेंड्स. एक्चुअली बेकाबू का रिस्पॉन्स एक ही एपिसोड में इतना कमाल हो जाना और लोगों का इतना प्यार मिलना एक एपिसोड में, एक यू नो उस कैरेक्टर को, मेरे लिए अनबिलीवेबल था. लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसको. आई इवन गॉट नॉमिनेटेड इन वन ऑफ द अवार्ड फंक्शंस फॉर देवलेखा, जो मेरा कैरेक्टर था बेकाबू में. आई थिंक इट्स ह्यूज, सो उसके लिए तो थैंक यू सो मच. एंड बेकाबू के बारे में मैं आगे क्या कहूँ, मुझे अगर आप पूछना चाहते शूट करना, अरे मैंने बहुत इन्जॉय किया. मतलब मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि परी और ये ऐसे फैंटेसी शोज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे करने का मौका मिला तो मैंने कर लिया. एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम यार शूटिंग फॉर इट, बहुत मज़ा आया. जैसे कि सब जानते हैं मेरी इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त हैं, तो मेरे कोई दोस्त तो नहीं गए हैं इस बार, लेकिन हाँ शायद कोई नहीं गए हैं, बट जो भी गए हैं आई होप यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ फन. And all the very best to each one of you. Yeah. Your favorite तो तब पता चलेगा ना जब हम सभी शो देखेंगे, देखने के बाद तो वो हम शो के बाद बात करेंगे फेवरेट के बारे में. फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम से मैंने सॉन्ग किया नहीं है. मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स कर लिए हैं. नाउ आई वॉन्ट, आई विल बी वेरी चूजी, कोई बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा सा सॉन्ग आएगा जो मुझे, मेरे दिल को छू जाए, वो मैं करूँगी. तो और अगर उनके साथ सॉन्ग करने की बात है तो यार, मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो वही डाल. अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.